नमस्कार मेरे फ्रेंड्स, वेलकम बैक एफएससी जॉब सेक्शन 550 क्लासेस। दोस्तों मैं रणवीर सिंह, देखिए मैं आ गया हूं फिर एक अपडेट को लेकर। देखिए अपडेट है आरपीएससी से जुड़ी हुई है और देखिए ये आरएएस का जो मेंस एग्जाम है उससे जुड़ी हुई है। देखिए जब प्री हुआ था 3 महीने पहले तो देखिए प्री को भी पोस्टपोन कराने के लिए कुछ अभ्यर्थियों ने मांग उठाई थी, कुछ ने उठाई थी कि पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर देखिए 20,000 अभ्यर्थी आक्रोशित हैं और देखिए वो अभ्यर्थी चाहते हैं कि ये जो एग्जाम है 25-26 फरवरी को जो तिथि निर्धारित की गई है इसको पोस्टपोन कर दिया जाए। ठीक है, पूरे वीडियो में इस पर और चर्चा करने वाले हैं। जो भाई चैनल पर पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि अपडेट आपको मिल सके। तो देखिए काफी अभ्यर्थियों ने कमेंट्स किए थे कि सर इस पर भी वीडियो बनाइए, क्योंकि हमने प्री एग्जाम पर भी काफी वीडियो बनाई थी तो मेंस पर भी मैं बोलना चाह रहा हूं। देखिए यहां पर कहना चाहता हूं कि देखिए 20,000 छात्रों की गुहार है। देखिए यहां पर देखिए सीएम से गुहार लगा रहे हैं, अजमेर में प्रदर्शन कर रहे हैं, जयपुर में प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए उनको देखिए 3 महीने का समय जो मिला है वो बहुत कम है मेन एग्जाम को देने के लिए। यहां पर देखिए वो चाहते हैं कि इस एग्जाम में और भी समय बढ़ाया जाए, क्योंकि सिलेबस में भी बदली की गया है। सिलेबस बदलने के बाद वो सिलेबस पूरा नहीं हो पा रहा क्योंकि अभ्यर्थी उस सिलेबस को 3 महीने में नहीं कर पा रहे। तो देखिए यहां पर उनकी मांग है, महिला भी इसमें शामिल है। और देखिए यहां पर अभ्यर्थी चाहते हैं कि देखिए जो 3 महीने का समय है उसको बढ़ाया जाए। तो यहां पर देखिए यूपीएससी द्वारा भी प्री और मेन एग्जाम के बीच 8 माह का समय दिया जाता है यूपीएससी द्वारा। ठीक है, तो यहां पर आरपीएससी से गुहार है कि जब यूपीएससी 8 महीने का समय दे रही है तो देखिए आपको यहां 3 महीने का समय जो दिया है आपने उसमें यहां पर कोर्स पूरा नहीं हो पा रहा, तो वो चाहते हैं कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाए। तो और एग्जाम पोस्टपोन कराने के लिए देखिए लगातार आंदोलन हो रहा है, लगातार प्रदर्शन हो रहा है। यहां पर देखिए पूर्व सीएम और नेताओं से भी मिल रहे हैं अभ्यर्थी कि कहीं ना कहीं देखिए उनकी जो मेहनत है, उन्होंने जो मेहनत की है वो उतना समय उनको नहीं मिला कि वो एक मजबूत तरीके से और पूरे सिलेबस को ढंग से कर पाए, तो वो नहीं कर पाए। यहां पर देखिए, यहां पर मैं आपको बता दूं 80% जो छात्र हैं वो कला वर्ग से हैं, मतलब आर्ट्स से हैं। और ज्यादातर देखिए आईएएस आरएएस में जितने भी अभ्यर्थी होते हैं वो आर्ट्स फील्ड से होते हैं। देखिए उनके लिए खासकर यहां पर समस्या ये आ रही है कि वो सिलेबस को यहां पर पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो यहां पर देखिए कहीं ना कहीं कम समय दिया गया है। तो देखिए यहां पर राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर भी धरना दिया गया, जयपुर के अंदर अजमेर में भी धरना चल रहा है। लेकिन देखिए यहां पर आरपीएससी मानने को तैयार नहीं है कि इस एग्जाम को आगे पोस्टपोन किया जाए। लेकिन हम देखिए यहां पर 20,000 अभ्यर्थियों का समर्थन करते हैं। ठीक है, जागो युवा जागो आंदोलन के तहत यहां पर हम समर्थन करते हैं कि देखिए जब किसी एग्जाम को देने के लिए पर्याप्त समय ना हो, कोर्स पूरा ना हो, और यहां पर देखिए सिलेबस में भी बदलाव किया गया है, मेंस को लेकर देखिए यहां पर बदलाव किया गया है, तो देखिए फिर ऐसे अभ्यर्थियों का भविष्य संकट में होगा जिनको प्रॉपर समय नहीं मिल पा रहा, पूरा समय नहीं मिल पा रहा है एग्जाम देने के लिए, तैयारी करने के लिए, तो उनका भविष्य कहीं ना कहीं संकट में है, अंधेरे में है उनका भविष्य। आरपीएससी को सोचना चाहिए, आरपीएससी को क्या जल्दबाजी हो रही है एग्जाम कराने की, जबकि 3 महीने का समय यहां तुमने दिया है, जबकि यूपीएससी 8 महीने का समय देती है, यूपीएससी 8 महीने का समय देती है दोनों एग्जाम के बीच में, मेंस के और प्री के। लेकिन आप यहां पर 3 महीने का समय दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं कि आप अभ्यर्थियों की बात क्यों नहीं मान रहे हैं, क्योंकि ये एग्जाम अभ्यर्थियों के लिए कंडक्ट किया गया है, अभ्यर्थियों के लिए देखिए आरपीएससी काम कर रही है। कोई भर्ती एजेंसी किसके लिए काम करती है? अभ्यर्थियों के लिए काम करती है, युवाओं के लिए काम करती है। तो युवाओं की यहां पर देखिए 20,000 युवाओं की मांग है कि भाई इस एग्जाम को पोस्टपोन करें ताकि हमें और समय मिल जाए। तो आरपीएससी को यहां पर मानना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को भी इसमें देखिए संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि देखिए यहां पर तारीख नजदीक आती जा रही है। देखिए यहां पर 25 फरवरी आज देख लीजिए आपके सामने, 14-15 फरवरी हो गई है आज, और देखिए यहां पर 25-26 फरवरी है इसी साल 2022, एक साल बाद नहीं जी अभी। तो यहां पर देखिए अभ्यर्थियों को समय देना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए और आरपीएससी प्रशासन को इसमें देखिए संज्ञान लेना चाहिए और अभ्यर्थियों की बात माननी चाहिए और संदेश जन जन तक आप लोग शेयर करें। फिर आता हूं एक अपडेट के साथ, भर्ती विज्ञापन के साथ। हम अभ्यर्थियों के लिए काम करते हैं, अभ्यर्थियों के लिए खड़े हुए हैं। इस संदेश में सिर्फ इतना ही, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।